नमस्कार, आप देख रहे हैं साकेत न्यूज, उत्तर प्रदेश में स्थानीय समाचारों का सबसे बड़ा चैनल, और प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। चार दिवसीय छठ महोत्सव की शुरुआत मंगलवार को नहाए खाए के साथ शुरू हो चुकी है। छठ का मुख्य पर्व गुरुवार को मनाया जा रहा है। आज व्रती महिलाएं अस्ताचल सूर्य को अर्घ देकर पूजा अर्चना करेंगी। आज करीब 3 बजे से महिलाएं अपने परिवार के साथ गुप्तार घाट एवं अयोध्या घाट पर लकड़ी के डाले को लेकर पहुँचने लगी, जो अस्ताचल तक काफी भीड़ में बदल गयी। इस दौरान पुलिस एवं प्रशासन ने उचित सुरक्षा व्यवस्था की है। घाट से लौटने पर व्रती महिलाएं यह डाल सामान सहित रख देंगी। रात भर छठी माता के गीत सामूहिक रूप से गाएंगी एवं पुनः सुबह निकलते सूर्य को अर्घ देकर संतान की रक्षा का वर मांगेंगी। गुप्तार घाट से कैमरामैन सुबोध श्रीवास्तव एवं नीतीश मिश्रा की रिपोर्ट। ये छठ पूजा का क्या महत्व है, कैसे क्या है? आज छठ पूजा अपने घर परिवार के सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। पूरा परिवार खुशहाल रहे, ना खाना रहे, और साल भर में एक बार आते हैं। बहुत श्रद्धा होना से हम करते हैं, बहुत श्रद्धा से करते हैं। परंपरा कहाँ स्टार्ट हुई है? ये परंपरा कब से स्टार्ट हुई है? एक जो परंपरा कहाँ से स्टार्ट हुई है, कहाँ से चालू हुई है? बिहार से। आप लोग कहाँ रहने वाले हैं? बिहार के। अच्छा, बिहार के। क्या नाम आपका है? अमिला सिंह। छठ पूजा का आज व्रत है आप लोगों का, ये क्या परंपरा है, कहाँ से चल के आई परंपरा? ये परंपरा हमारी बिहार से चली है, और वहाँ पे इस छठ की व्रत को मतलब बहुत उससे बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं, और वहीं से शुरू हुआ। तो वहाँ से जो लोग भी इधर आते गए हमारे पश्चिम तरफ, तो वो सारी मन्नतें मांगते गए, और जिनका पूरा होता गया तो लोग जहाँ गए वहाँ तक उठाए रखते गए। इसलिए आज ये हमारे पूरे मतलब ये यूपी, दिल्ली, पूरे मतलब हिंदुस्तान में अब कहीं भी नहीं देखे होंगे जहाँ ये नहीं फैला हो, हर जगह ये फैल गया हो। और ये ऐसा मतलब पर्व है, ऐसी मन्नत है। क्या विधि है इसका? विधि है कि इसको 3 दिन का व्रत मानते हैं। इसको पहले दिन जो शुरू करते हैं उसको शाम को लौकी और दाल वो खा के व्रत मतलब सुबह में उठाते हैं। उस दिन सारा दिन ये व्रत रहते हैं, और पूरा दिन कुछ भी नहीं खाते पीते हैं। शाम को खीर और रोटी मतलब साठी के चावल का रोटी, वही तुलसी का खीर खाते हैं। फिर दूसरे दिन मतलब आज के दिन फिर कुछ भी नहीं खाते, ना पानी, ना कुछ भी खाना पीना। फिर आज सारा दिन ऐसे रहेंगे निराजन। शाम को सारे मतलब फल वगैरह से इनका सूर्य भगवान का अर्घ देंगे, और कल मॉर्निंग में जब सुबह भी अर्घ दे के सूर्य भगवान का, फिर जाके 9 या 10 बजे हम लोग निकलते हैं। क्या नाम आपका है? जी, मेरा नाम स्नेहलता सिंह। ये व्रत की परंपरा क्या है, और कैसे व्रत स्टार्ट किया गया, कैसे क्या है? आज आप व्रत हैं, और ये परंपरा कहाँ चल कर आई है? ये बिहार की छठ पूजा है, वहीं से ये शुरुआत हुई है। ये हम लोग मनाते हैं खुशियों के लिए, घर में समृद्धि आए, खुशियाँ आए, इसलिए मनाते हैं। क्या विधि है इसकी पूजा करने की, कैसे आप व्रत रहती हैं, कैसे क्या करते हैं? इसमें 3 दिन का व्रत रहते हैं। आज कल जो है अर्घ देने के बाद लोग पानी पीते हैं। क्या नाम आपका है? कीर्ति सिंह। आज मशोधा ब्लॉक की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक मुख्यालय में भारी संख्या में मौजूद रहकर धरना दिया, और योगी पर चुनाव से पहले दिए आश्वासन के बदले लखनऊ में लाठी दिए जाने पर आक्रोश जताया, और कहा कि इतनी प्रताड़ना तो कभी किसी सरकार ने नहीं दिया। ब्लॉक अध्यक्ष ने कहा कि यह हमारी भूल थी, अब कभी कमल को वोट नहीं देंगे। मौके पर जगधात्री पांडे ब्लॉक अध्यक्ष, मालती यादव, गिरिजा यादव, रीता पांडे, तहजीना, गुलाब, देव कुमारी, सरोज सिंह, आशा सिंह मौजूद थी। सर, हम लोग को नहीं लगता कि योगी सरकार हम लोग की मांगे आसानी से मान लेंगे। जब तक 2-4 खून कत्ल नहीं करवा लेंगे तब तक मानने वाले नहीं है। 2-4 जान लेकर तभी हम लोग की मांग मानने वाले हैं। लखनऊ में क्या थे, हमारे लोग का धरना चल रहा है, वहाँ लाठी चार्ज करवाते हैं, पानी छोड़ दिए, वहाँ के लैट्रिन बाथरूम में ताला मरवा दिए। ये सब सब कर्म कर रहे हैं, योगी सरकार करवा रही है, दूसरा कोई सरकार नहीं करवा रही है। और उसके बाद चोरी भी लगवा दी, क्या कहते हैं, मेरी बहनों को वहाँ अरेस्ट भी कर लिया गया है। क्या नाम आपका है?
हमारा नाम है जगधात्री पांडे। ये तो ये था कि ऐसा था कि जैसे यहाँ की सरकार किसी और की रहती थी, वहाँ भाजपा सरकार थी, तो ये सरकार कह रही थी कि हमारे वहाँ से हमको अनुमति नहीं मिल रही है, और अब ये सरकार के कहने का मौका ही नहीं है क्योंकि दोनों जगह भाजपा की है सरकार, लेकिन तब भी हम लोगों का कोई नहीं सुन रहा है। अब तो किसी से पूछना ये है ही नहीं कि हम उस सरकार से पूछें या इससे, दोनों जगह पार्टी एक ही है। आपकी विधायिका शोभा सिंह जी, क्या वो मौके भाई? नहीं, कोई नहीं आया। क्या आपने उससे मिली? नहीं। तो अगला कदम क्या होगा आपका? अब हम लोगों का यही कदम है कि जैसे सरकार हम लोगों की नहीं सुन रही, हम लोग अपना हड़ताल जारी। क्या मांगे हैं ऐसी आपकी? हमारी मांगे हैं कि जैसे हम लोगों से काम लिया जा रहा है, 6 घंटे हम लोगों की ड्यूटी ली जा रही है, उसी हिसाब से हमको जैसे सब विभाग को सरकारी दर्जा दिया जा रहा है सरकारी कर्मचारी का, वैसे हम लोगों को भी दिया जाए। योगी ने हम लोगों को कुछ नहीं किया, बल्कि हम लोगों के ऊपर और प्रशासन लगा दिए हैं। अब हम लोगों का मतलब ये कर दिए हैं कि अगर हम लोग हड़ताल करेंगे या धरना करेंगे तो उसका हम लोगों का मानदेय भी काटा जाएगा, और उसके बावजूद जहां हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे वहां पे इतना इंतजाम कर दिया गया कि हमारे बहने को एकदम अंदर कर दिए, लेटरिन बाथरूम में ताला लगवा दिए, न हमारी बहने बाहर जा पा रही है। यानी आंगनबाड़ी के ऊपर जो है लाठीचार्ज किया गया? जी, लाठीचार्ज किया गया, और उनको बहुत बेरहमी से पीटा गया, चप्पल और जूता से मारे। उसके बाद हमारी बहनें जो वहाँ हॉस्पिटल में गईं, वहाँ से ये लोग भी भगाने का काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये वहाँ पे भी न रहे, और उसके बाद ये लोग माइक वाइक चुराने का भी इल्जाम लगा रहे हैं। क्या नाम है? जी गिरजा। अभी जल्दी में चुनाव आ रहा है, आप लोग संख्याएं कम से कम लाखों में पहुँचे उत्तर प्रदेश में, तो क्या इसका असर दिखाएंगे आप लोग? हम लोग ड्यूटी करेंगे ना, हम लोग अपना कार्य, यानी विरोध जताएंगे आप लोग? जी। क्या नाम है? गवर्नमेंट ने एक बार 3 महीने के लिए कहा, 120 दिन के लिए कहा, फिर ये सारे समय पूरे हो गए, लेकिन हम लोगों के बारे में कोई वो नहीं है, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है। और हम लोग इससे पहले जो सरकार थी उसमें यही सोचे कि ये सरकार नहीं सही हम लोगों के लिए, हम सरकार बदलेंगे, केंद्र में जो सरकार है वही हम अपने प्रदेश में लाएंगे जिससे हम लोगों के बारे में कुछ सोचे, तो इन्होंने तो इस तरह। यानी आपके कहने का तात्पर्य ये है कि बीजेपी से अच्छी सपा थी? जी, इससे तो अच्छी थी ही कि इस तरह से आतंक, यानी हम महिलाओं पे अत्याचार इतना नहीं हुआ था जितना कि इस सरकार में हमारी बहनों पर इतना अत्याचार हो रहा है जो असहनीय है। नगर निकाय और नगर निगम चुनाव होने जा रहा है जी। तो क्या इसमें आपका रुख क्या दिखाएंगे आप लोग? हम लोग अब अभी फैसला इसके बारे में सोच समझ कर करेंगे। हमारी संख्या 2 लाख की है और इसमें हम कुछ कर 4 लाख संख्या हमारी। 2 लाख आंगनबाड़ी है, 2 लाख आंगनबाड़ी है और सहायिकाएं मिनी सब मिलाकर 4 लाख। 4 लाख, 4 लाख ये जो आपकी है कार्यत्री, तो ये अपना असर दिखाएंगी। क्या नाम आपका है? रीता।
मनरेगा मजदूर कल्याण समिति के तत्वाधान में तिकोनिया पार्क में चल रहे साकेत गोट फार्मिंग के खिलाफ धरना ने आज से क्रमिक अनशन का रूप ले लिया है, जिसमें विभिन्न जनपदों से आए लोगों में से 5 लोग क्रमिक अनशन पर बैठे। विगत 4 दिनों से चल रहे धरने पर प्रशासनिक बेरुखी से त्रस्त होकर यह फैसला लिया गया, जिसकी सूचना प्रशासन को दे दी गई है। आज बड़ी संख्या में लोग बाहरी जिलों से भी आए हैं। अध्यक्ष ने बताया कि अब से क्रमिक अनशन लगातार चलेगा, देखना है प्रशासन कब तक सोया रहता है। आज हम लोग यहाँ भूख हड़ताल पे 5 लोग बैठ रहे हैं, और अगर अभी तक यहाँ पर कोई 23 तारीख धरना चल रहा है, कोई भी नहीं आया। ये धरना निश्चित काल से चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। कंपनी ने धोखेधड़ी से हमारा पैसा जमा करवाया था, जो 8,000 रुपये बॉन्ड देकर हमको लेना था, जो 3.5 साल हो गया पूरा करे हुए, नहीं कंपनी दे रही है। लोग हमारे घरों से हमें गालियां दे रहे हैं, हमें निकाल रहे हैं, हमारी संपत्ति को भी छीन छीन के ले जा रहे हैं। हम बहुत पीड़ित हैं, और आज 23 तारीख धरना चल रहा है, आज 26 तारीख 27 तारीख हो गई, कोई यहाँ पर सुनवाई करने तक नहीं आया। न प्रताप नारायण पांडे, न प्रशासन से कोई आया, ना ही कोई आया। हम लोग यहाँ पर अब आज से भूख हड़ताल चालू कर दिए हैं, और ये भूख हड़ताल कब तक रहेगी अनिश्चित काल है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हम हड़ताल से हटेंगे नहीं यहाँ से। क्या नाम आपका है? हमारा नाम मोहम्मद मुस्तकीम है, हम अलीगढ़ से आए हुए हैं, और जिला सिद्धार्थ नगर हम रहते हैं, हमारी टीम अलीगढ़ सिद्धार्थ नगर में है। चंद्रेश मेरा नाम है, हम लोग बस्ती जिले से आए हैं, और यहाँ पर हम लोग लगातार जब से कंपनी शुरुआत तभी से हम लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करके, और यहाँ तक लगभग कम सैकड़ों बार चक्कर लगाए। ये हुआ कि जमीन दे देंगे, लेकिन बार बार बुलाते रहे, लेकिन फिर भी कोई यहाँ से रिस्पांस हमको नहीं मिला। हम लोगों को हम लोग क्यों लाए और चले गए। जिस तरह से वहाँ पर फतेहपुर में शाखा थी, तो क्या वहाँ की जनता का पैसा ही होगा वहाँ पर? जी सर, जी सर। तो वहाँ पर क्या आपने आंदोलन किया या नहीं किया? आंदोलन में आज हमारे सब साथी यहीं आ रहे हैं। अच्छा, फैजाबाद मुख्यालय पे ही सीधे आप लोग आएंगे? जी, जी, जी। क्या नाम आपका है? लक्ष्मी नारायण। आज 5 लोगों को मैंने कार्मिक भूख हड़ताल पर 5 कार्यकर्ताओं को बैठा रहा हूँ, और इसके बाद मैं 2 दिन ये कल तक रहेंगे। परसों से हम लोग आज बैठक करके आंदोलन को धार देने के लिए आगे की कार्यवाही शुरू करेंगे। आज अभी हमारे बीच में भाई फतेहपुर के साथी आए हैं, गोदा के आए हैं, सिद्धार्थ नगर के आए हैं, बाराबंकी के आए हैं, सुल्तानपुर के आए हैं, ऐसे जो 7 जिलों के साथी एक एक दो करके आए हैं। हम लोग निर्णय करेंगे कि आगे की रणनीति हम किस तरीके चलाएं। और ये भी सही है कि मैं भूख हड़ताल करा के अपने साथियों को मारना नहीं चाहता हूँ, बल्कि संघर्ष करना चाहता हूँ, और प्रशासन को इस भूख हड़ताल के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ कि यह मनरेगा मजदूर कल्याण समिति या इससे संबंधित जो पीड़ित लोग हैं, अब उसकी सहन टूट रही है। आगे हम किसी भी आंदोलन को, किसी भी तरीके के आंदोलन को करने के लिए बाध्य होंगे, और मेरा निर्णय है कि जब तक मामला निपट नहीं जाएगा, तब तक हमारा आंदोलन ये चलता रहेगा। आज 29 से शुरू हो रहे कार्तिक मेला एवं परिक्रमा मेले की तैयारी में लगे 10 ब्लॉकों के सफाई मजदूर एडीओ पंचायत राजेंद्र कुमार दुबे के व्यवहार से आक्रोशित हो गए एवं नारेबाजी करते हुए फोन से जिलाधिकारी को सूचना दिया। मामला दोपहर 12 बजे का है। बूथ नंबर 4 पर हलकारा के पुरवा के पास काम कर रहे सफाई कर्मचारी दोपहर को भोजन कर रहे थे, तभी एडीओ साहब आ गए और पूछा क्यों बैठे हो। इसी पर कर्मचारियों ने वेतन के बारे में पूछ लिया, जिससे नाराज एडीओ ने गाली गलौज किया। आक्रोशित कर्मचारियों ने डीएम को सूचना दी, तो मेला निरीक्षण पर निकले डीपीआरओ व एडीएम सिटी वहां पहुंचे और मेलाधिकारी से जांच कराने की बात कही। इसी बीच इनके अध्यक्ष शैलेंद्र प्रताप सिंह ने पूरी घटना का विवरण दिया। 14 कोसी परिक्रमा मार्ग है जी, और यहां पर जो है सफाई कर्मी लगे हुए जी, किस किस ब्लॉक से हैं? सर, हरनटीनगंज से हम लोग हैं, और हम लोग इसी मंदिर पे बैठ करके दोपहर का भोजन ले रहे थे। इतने में पंचायत साहब आ गए। क्या नाम है उनका? उनका राजेंद्र दुबे जी नाम है। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो वो आए तो बोले कि हाँ आप लोग क्यों बैठे हो, तो हमने कहा कि साहब अब लोग खाना खा रहे हैं। तो कहें तुम नेतागिरी कर रहे हो, हम कहें साहब खाना खा रहे हैं, नेतागिरी यहाँ कहाँ हो रही, खाना खा लें, उसके बाद सब अपने अपने काम पे लग जाएंगे।
हमने कहा साहब वेतन जो है हम लोगों को इस महीने भी लेट मिला था, 18 तारीख को हम लोगों को मिला है। बाकी शासन का आदेश था कि 28 तारीख को वेतन मिल जाए, लेकिन हम लोगों को 18 दिन बाद वेतन मिला, 20 दिन बाद। तो हमने कहा साहब इस महीने भी लेट हो जाएगा और कहीं नहीं पेरोल बाद में भेजेंगे। तो हमने कहा कि नहीं सर पेरोल भेज दीजिए, सब कर्मचारी आपके काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इतने में जो है उन्होंने हमारी कालर पकड़ के हमको टेल दिया, और उनका लड़का था और वो बाद में पता लगा उनके जाने के बाद कुछ लोग कि उनके बच्चे के साथ पढ़ते थे, तो उन दोनों ने जो है हमको मारा और गाली दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र प्रताप सिंह। तो यहाँ पर आपने शिकायत की? जी सर, हमारे जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय आ गए हैं, जिलाधिकारी महोदय से हमने कहा कि जो है हम लोगों के साथ सर हम लोग प्रत्यक्षदर्शी कोई है आपका? सर पूरा ब्लॉक सारे कर्मचारी थे सर, सारे कर्मचारी भोजन कर रहे थे सर, सभी लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र। वहाँ पर हम हैं और पूरे संगठन के हम नेता हैं, और जब हमको इस बात को जानकारी हुई कि हमारे कर्मचारियों को, जो हमारे कर्मचारी को शैलेंद्र प्रताप सिंह को जो हमारे एडीओ पंचायत द्वारा जो है अवैध व्यवहार किया गया, और जो है सफाई कर्मचारी के नाम से जात मतलब सूचक शब्द जो कह करके उनको कहा गया कि तुम जो है नाली के कीड़े हो और कीड़े में ही रहोगे, और उसके बाद जो है ये जब बोनस की जब वेतन की बात करने लगे तो उस पर जो है इनको ढकेलने काम किया गया। शायद इनको जो है हमको जो जानकारी हुई है इसमें ये इनको जो है थप्पड़ भी मारने काम किया गया है, जो हमको इस बात की जानकारी हुई है। हमने यहाँ जब यहाँ पर मैं था भी नहीं, और हमको लोगों ने बताया, हमारे सारे कर्मचारी जो कि सारे कर्मचारी यहाँ पर हैं ये लोग जब बताए तो हमने जो है इस पर एक्शन लिया है, हमने अपने अधिकारियों को जो है इसके बारे में। यानी आप जो है दोपहर का लंच किए थे इस मंदिर पर, तो पंचायत साहब आए और पूछे कि क्या कर रहे हो तुम सब लोग, तो हम लोग बताए कि लंच किए हुए हैं, और वो कहे कि लंच किए हो काम नहीं कर रहे हो, तो हम लोगों ने कहा नहीं काम हो रहा है, लंच करने के बाद काम फिर करेंगे। तो हमारे अध्यक्ष हैं ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र प्रताप सिंह, तो उन्होंने पूछा कि सर जो है हम लोगों का पेरोल जो जिससे वेतन निकलता है सर उसको भिजवा दीजिए कि हम लोगों का समय से वेतन आ जाए, ना वेतन आया है सर ना बोनस आया है दीपावली का। तो इसी तरह से कहें कि तुमसे मैं बात नहीं करूँगा, तो उन्होंने कहा कि पंचायत साहब ने कहा कि बताइए इतने लोग तुम लोग काम करोगे कि नहीं करोगे, तो सभी लोगों ने कहा कि जब हम लोगों का पेरोल जाएगा तो काम करेंगे अन्यथा नहीं करेंगे। तो वो तुरंत जब हमारे अध्यक्ष जी बोले तो तुरंत जो है कालर पकड़ करके उनको ढकेल कर और उनके साथ एक लोग और थे वो मारने लगी। क्या नाम था उनका? उनका लड़का था सर। क्या नाम है? नाम तो सर नहीं पता, ये हमारे कर्मचारी साथी जो है कुछ लोग उनके स्थानीय वही बता रहे हैं। एडीओ पंचायत का नाम है सर अरुण राजेंद्र दुबे। जैसे लंच समय होता है ड्यूटी का 8 से 3 बजे, तो 1 बजे अगर आदमी लंच नहीं करेगा कितने बजे करेगा सर? ये तो क्लियर होना चाहिए क्लियर कट। तो लगभग 12:30 बजे लंच कर रहे थे, उनका कहने का मतलब था कि काम लगातार जारी रखिए। इन्हीं बातों को लेकर विवाद हुआ। न्याय संगत है कि आदमी जलपान करेगा ही, अगर आया है तो पेट धर कर तो घर से आया नहीं है। उस बात को ध्यान में रखते हुए सारे कर्मचारियों ने अपना कार्य और कर्मचारियों के हित में काम करने के लिए उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए उन्होंने इस तरह से कार्य किया। ये कर्मचारियों के हित में न्याय संगत नहीं है। और जिस 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर लगाए गए हैं हम लोग, ना तो हमको यात्रा भत्ता मिलता है ना TAGA मिलता है, फिर भी हम लोग निष्ठा ईमानदारी के साथ करते हैं, और हम सरकारी कार्य में बाधा न डालने की हमारी कोई तमन्ना है। हम ये उम्मीद रखते हैं कि अगर हम न्याय संगत काम कर रहे हैं उनके लिए, तो अभी हमारे साथ न्याय संगत काम करें और इस तरह से कार्य करते हैं तो हम उनके साथ हैं, अगर अन्यथा इस तरह से कार्य करेंगे नहीं करेंगे तो हम लोग कल से हम लोग स्ट्राइक करने के लिए मजबूर। हमने परखा ये कि आरोप बिल्कुल निराधार समझ में आ रहे हैं कि कोई एडीओ पंचायत बिना किसी अकारण किसी का कॉलर पकड़ ले। ये बाकी चीज तो भी मैं इन लोगों से बात करता हूँ, इन्हीं ग्रुप में से मैं बुला करके मैं बात कर रहा था, बात सामने आ जाती कि घटना वाकई मारपीट की है या गाली गलौज की। अगर मारपीट की मामला सामने आता क्या करेंगे आप, क्या एक्शन लेंगे आप? मारपीट का मामला है तो उन लोगों को न्यायालय में जाना चाहिए, पुलिस के एडीओ प्रशासन अभी जांच करेंगे, जो स्थिति होगी जो दोषी होगा कार्रवाई होगी। थैंक यू।
आज प्रेस क्लब में पूर्व मंत्री एवं नवनिर्वाचित सपा के महासचिव अवधेश प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आने वाले नगर निगम चुनाव मजबूती से लड़ने का दावा किया और कहा कि जिन सीटों पर नाम फाइनल हो सभी पूरी लगन से चुनाव में जुट जाएं। आज के प्रेस का उद्देश्य तो मैंने बता दिया और दो तीन बातों पर हमने अपनी बात रखी थी। एक तो दीपावली के त्यौहार के लिए सबको हार्दिक बधाई शुभकामनाएं में दिया। दूसरा ये बताया कि दो चुनाव देश में होने जा रहा है। देश मान लीजिए, एक तो नगर निकाय का चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में और दूसरा चुनाव हो रहा है गुजरात में, तो ये दोनों चुनाव है और दोनों चुनाव जो है एक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक वानगी रहेगा, एक नसीहत रहेगा। जहां तक नगर निगम का सवाल है, निकायों में चुनाव है, समाजवादी पार्टी में जिस तरह से उम्मीदवारी के लिए टिकट के लिए अभूतपूर्व भीड़ प्रदेश कार्यालय लखनऊ में हो रही है, आप जाकर देख सकते हो। आज चले जाओ, कम से कम 2,000-2,500 कार्यकर्ता और तमाम गाड़ियां खड़ी हैं सवेरे से। इतनी भीड़ किसी भी राजनीतिक पार्टी में नहीं है, आप जाकर लखनऊ में देख सकते हो। इस होड़ लगी है कार्यकर्ताओं में, इस बात का संकेत है कि समाजवादी पार्टी के प्रति लोगों का लगाव और लोगों को उम्मीदें बढ़ी हैं और ये भी यकीन हो गया है कि समाजवादी पार्टी ही इस चुनाव में भारी मात्रा में जीतेगी और उसका टिकट मिल जाएगा, तो कार्यकर्ताओं में होड़ लगी है। तो मंत्री जी, अयोध्या नगर निगम का प्रत्याशी आपके यहाँ क्या घोषित हुआ? ऐसा है, नगर ये प्रत्याशियों के चयन के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है। एक व्यवस्था ये बनाई गई है, प्रदेश के सभी जनपदों में प्रभारी भेजे गए हैं और प्रभारी लोगों ने अपनी रिपोर्ट मुख्यालय भेजा है और प्रदेश मुख्यालय में भेजा है। प्रदेश मुख्यालय प्रदेश के अध्यक्ष माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बातचीत करके और जो रिपोर्ट के आधार पर जो बातें आई होंगी वहां से सूची आएगी। यहां जिले में कोई बाबू छेदी सिंह ये खुद गए थे श्रावस्ती में, यहां से जयशंकर पांडे जी गोंडा के लिए गए, फैजाबाद में पंडित सिंह जी आए थे, तो इन लोगों से बताया गया था कि आप जनपदों में जाएं, कार्यकर्ताओं से नेताओं से संपर्क कीजिए और कैंडिडेट जो जिताऊ हो टिकाऊ हो और उसके बारे में राय बाट ले करके आकर के बताइए और जो राय बाट जाएगी उस राय बाट के आधार पर पार्टी मुख्यालय लखनऊ जो है वहां से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देश। आप रोज देखते रहिए समाचार इसी चैनल पर इसी समय। धन्यवाद, नमस्कार।